गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज द कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसमें हम कुछ ही ड्रग को कवर करेंगे। फर्स्ट इज द पार्किंसोनिज्म एंड मायस्थेनिया ग्रेविस के टर्म को कवर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म करके 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है, दैट इज द एक्सप्लेन द पार्किंसोनिज्म या एक्सप्लेन द मायस्थेनिया ग्रेविस या ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म या ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस, इस टाइप में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे ड्रग है, लाइकोप्रोपाइन क्रीम है, बिप्रीडीन है, देन बेंजोट्रोपिन है, टॉपिकामाइड है, ये सभी ड्रग के जो क्वेश्चनिंग है वो यूजेस के लिए आते हैं। तो हम एक ही ड्रग उसमें कवर करेंगे पूरे यूजेस, और आपको मैं बाकी के फॉर्मुलेशन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो सिर्फ उसके यूजेस और ऑफिशियल प्रिपरेशन के लिए ही क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट विद द टर्म, दैट इज अ पार्किंसोनिज्म। क्या है पार्किंसोनिज्म, ठीक है? पार्किंसोनिज्म इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ अ मूवमेंट ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज द पार्किंसोनिज्म। ऐसे ड्रग जिसमें आपकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, डीजनरेट होती है या चेंज होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। ऐसा भी बोला जाता है इट इज अ सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग। जो पार्किंसोनिज्म है ये सीएनएस डिसऑर्डर है, जिसमें आपके ब्रेन का अगर कोई नर्व सिस्टम अगर ब्लॉक हुआ है या वहां पे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का जो डीजनरेशन अगर हो रहा है, ये तीन चीजों की वजह से आपकी जो मूवमेंट है उसमें चेंज आता है। मूवमेंट में चेंज आता है मतलब आपका हाथ बराबर से काम नहीं कर पाता, या वन साइड आप पैरालाइज हो जाते हो, या आप सोच नहीं पाते, या मूवमेंट जो आपकी है वो कम हो जाती है, जैसे फ्लक्चुएशन इन टॉकिंग, ठीक है, स्पीच आपका बराबर से नहीं रहेगा, कुछ भी उठा नहीं सकते हो, वाइब्रेशन आएगा आपके मूवमेंट्स में। तो ये सभी जो चेंजेस है वो पार्किंसोनिज्म में होते हैं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक लेवल या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन अगर डीजनरेट होता है तो देयर इज अ चेंज इन अ मूवमेंट, उसको बोला है पार्किंसोनिज्म, ठीक है। उसमें क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है? तो फर्स्ट इंक्लूड ट्रीमर्स, आपको पहले ट्रीमर्स आता है, ट्रीमर्स मतलब कन्वर्जेंस का एक टाइप है। देन मसल रिजिडिटी, मतलब आपकी मसल क्या होती है, एकदम रिजिड हो जाती है, जो आपका हैप्पी और फ्री मूवमेंट है वो एक स्टिफ हो जाता है, रिजिडिटी आ जाती है। ब्रैडीकाइनीज एंड हाइपोकाइनीज, ब्रैडीकाइनीज एंड हाइपोकाइनीज इट इज अ पार्ट ऑफ पार्किंसोनिज्म। अगर आपको टोटली पार्किंसोनिज्म नहीं भी हुआ है तो ब्रैडीकाइनीज एंड हाइपोकाइनीज ये उसके डिसऑर्डर्स है जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट इररेगुलर हो जाती है। जैसे स्पीच में किसी को बोलने के लिए तकलीफ जा रही है या सिर्फ किसी के हाथों में वाइब्रेशन आता है, तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसमें ब्रैडीकाइनीज और हाइपोकाइनीज इट इज अ कैटेगरी ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो क्या देखा हमने पार्किंसोनिज्म में, पार्किंसोनिज्म क्या है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट जो आपकी प्री मूवमेंट हो रही है इन वॉलेंटरी ऑर्गन्स में। वॉलेंटरी ऑर्गन्स में कौन से आते हैं, हैंड आता है, हेड आता है, नेक आता है, लेग्स आते हैं, तो इसकी जो मूवमेंट है उसमें स्टिफनेस आ जाएगा, इसमें रिजिडिटी आ जाएगी या आपको ट्रेमर्स आएंगे, दीज आर द पार्किंसोनिज्म। तो ड्रग्स यूज इन द पार्किंसोनिज्म आर लियोडोपा, लियोडोपा क्या करता है, डोपामिनर्जिक लेवल को मेंटेन करता है। देन एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या होता है, मस्कुलिनर्जिक निकोटिनामिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके उसकी एक्टिविटी शो करता है। देन बिप्रीडीन आल्सो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये सभी ड्रग पार्किंसोनिज्म में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज द मायस्थेनिया ग्रेविस। तो व्हाट इज द मायस्थेनिया ग्रेविस, एक्चुअली मायस्थेनिया ग्रेविस इज द मस्कुलर फर्टिलिटी, ऐसा बोला जाता है। मस्कुलर फर्टिलिटी मतलब जो आपका मसल है, मतलब मसल टोन जो है आपका वो वैरी होता है या डिफॉर्म होता है। तो ये आप कैसे समझोगे कि मसल टोन कैसा रहता है, सिंपल हम कैटेगराइज करते हैं, बच्चा लेते हैं, एक नौजवान लेते हैं और एक बूढ़ा लेता है, ठीक है। ये तीनों का भी मसल टोन वैरी है। बच्चे का मसल टोन बहुत वीक है क्योंकि उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, इसलिए वो कुछ भी हेवी चीज उठा नहीं सकता। यंग वन जिसके मसल टोन एकदम स्ट्रांग है, बराबर से डेवलप हुए है, तो वो कुछ भी हेवी चीज आराम से उठा सकता है। अगर एडल्ट वन लेते हैं तो एडल्ट वन का जो मसल टोन है वो वीक हो चुका है, एज द एज उनका मसल टोन वीक हो गया है, फटीक हो गया है, इसीलिए वो कुछ भी उठाने की कोशिश तो जरूर करेंगे लेकिन देयर इज अ फ्लक्चुएशन, वाइब्रेशन आते हैं, तो दैट इज द मस्कुलर रिजिडिटी आना स्टार्ट होती है। तो ये तो नॉर्मल में हुआ, ये सभी चीजें नॉर्मल में हुई, लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन को, नॉर्मल हेल्दी पर्सन को अगर मसल में स्टिफनेस या फर्टिकुलिटी आती है तो डिजीज इज कैटेगराइज इनटू मायस्थेनिया ग्रेविस। एक्चुअली इसमें ये भी बोला जाता है कि मसल्स एंड न्यूरॉन्स इसका जो लिंकअप है, मतलब हम मसल को सेंसेशन, न्यूरॉन्स हमको सेंसेशन देते हैं कि हमको ये चीज उठाना है और मसल विल बी ऑपरेट फॉर दैट। ये जो मसल और न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है वो लूज हो जाता है,
ओके तो हमने लिखा भी है वैसे ही देखो, इट इज अ न्यूरोमस्कुलर डिजीज। न्यूरो एंड मस्कुलर मतलब न्यूरॉन्स एंड मसल दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं। तो न्यूरोमस्कुलर डिजीज कैरेक्टराइज बाय क्या होता है? एबनॉर्मल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के कारण वो मसल डीजनरेट या डीएक्टिवेट होना स्टार्ट होती है, दैट इज द फर्टिलिटी। एंड वीकनेस, और वीकनेस भी आता है ऑफ द सिलेक्टेड मसल ड्यू टू द रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन। और सिलेक्टेड मसल नहीं होता है, ऐसा नहीं कि पूरे होल ऑफ द बॉडी के मसल्स में ऐसा हो रहा है। अगर वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में है तो उसमें से पर्टिकुलर सिलेक्टेड टाइप ऑफ मसल को ये डिसीज होगा। और ये क्यों हो रहा है? रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन से हो रहा है। उन्हें एक सिंथेटिक रीजन भी दिया है कि अगर एसिटाइलकोलाइन की लेवल कम ज्यादा होती है या चेंज होती है उस कंडीशन में भी देयर इज अ फर्टिलिटी ऑफ द मसल टोन हो सकता है। देन उसके लिए ड्रग्स कौन से हैं? तो फाइसोस्टिग्मिन, न्यूस्टिग्मिन एंड पाइरोस्टिग्मिन, ये ड्रग यूज किए जाते हैं। दीज आर द कोलिनर्जिक अगोनिस्ट, क्योंकि उन्होंने बोला है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलाइन का, एसिटाइलकोलाइन को हमको बढ़ाना है, तभी हम क्या यूज करेंगे? कोलिनर्जिक अगोनिस्ट यूज करेंगे। तो लाइक फाइसोस्टिग्मिन, न्यूस्टिग्मिन एंड पाइरोस्टिग्मिन, ये दोनों डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और उसके एग्जाम्पल भी लर्न करनी है। ओके, नेक्स्ट आइटम जो देखेंगे दैट इज द प्रोपैनिलीन। ये प्रोपैनिलीन हमने ऑलरेडी देखा है, जैसे एट्रोपिन में जो हमने थेरापेटिक यूजेस कवर किए वो पूरा पार्ट प्रोपैनिलीन में आता है। क्यों? क्योंकि प्रोपैनिलीन लाइक और उसके जैसे ही बिप्रिडीन है या बेंजोट्रोपिन है या ट्रोपिकामाइड है या होमोट्रोपिन है, हायोसिन है, ये सभी जो ड्रग है वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट से बिलोंग करते हैं। और ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या है? दीज ऑफ द ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ मस्कारिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। ये ऐसे ड्रग है जो मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। तो मेनली वहां पे भी टू ही एक्टिविटी है, फर्स्ट इज एंटी स्पाज्मोडिक एक्टिविटी एंड एंटी सिग्रेटरी एक्टिविटी, देन इंट्राओक्युलर प्रेशर के लिए एक एक्टिविटी है। तो ये तीनों ही एक्टिविटी पे वो काम करता है। तो बस वही हमने सभी यूजेस इसमें कवर किए। ये अगर आपने यूजेस पूरे लर्न कर लिए तो आपको एट्रोपिन में, प्रोपैनिलीन में, बिप्रिडीन, बेंजोट्रोपिन, हायोसिन और प्रोपैनिलीन, ये पूरे छह ड्रग में आप यही यूजेस कवर कर सकते हैं। ओके, एंड देन फॉर्मुलेशन कौन से अवेलेबल रहेंगे? तो फॉर्मुलेशन अवेलेबल कंपाउंड रहेगा जिसे प्रोपैनिलीन आईपीपी रहेगा, और प्रोपैनिलीन टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में ही अवेलेबल है। तो फॉर्मुलेशन सभी के वैसा ही है, ड्रग का नाम और आईपीपी, सेकंड ड्रग का नाम और टैबलेट, ड्रग का नाम और इंजेक्शन। तो उसके लिए पूरे जो छह के छह ड्रग है वो काम करेंगे, लाइक एट्रोपिन है, प्रोपैनिलीन है, बिप्रिडीन है, बेंजोट्रोपिन है, ट्रोपिकामाइड है और हायोसिन। पूरे ड्रग के फॉर्मुलेशन सेम रहेंगे। आज से हम पहले यहाँ पे यूजेस देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोरेज बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज ऑल आर द हाइपिस्टाइन पाउडर, ठीक है, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट है और स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर है। देन स्टोरेज उसका बहुत सिंपल है, इट इज वेल स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोरेज पे ज्यादा क्वेश्चनिंग आई भी नहीं है, उसलिए बॉदर नहीं होना है आपको। सिंपल डायरेक्टली आपको यूजेस के लिए फोकस करना है और मैक्सिमम यूजेस आपको लर्न करना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि दिस यूजेस विल बी डिपेंड अपॉन ओनली टू कैरेक्टर्स, फर्स्ट इज एंटी सिक्रेटिक एंड एंटी स्पाजमोडिक। तो वही देखेंगे, पहला इट इज अ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, तो चैप्टर का यूजेस। सेकंड इट इज यूज टू ट्रीट, किसमें यूज होता है? बिकॉज ऑफ द एंटी सिक्रेटरी एक्टिविटी। एंटी सिक्रेटरी मतलब एंटी मतलब इनहिबिट करना, सिक्रेटरी मतलब सिक्रेशन, सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। कौन से सिक्रेशन? नेसल, गैस्ट्रिक, देन रीनल सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, स्वेट, ये पूरे सिक्रेशन को क्या करता है? स्टॉप करता है। हेंस इट इज यूज टू ट्रीट अ गैस्ट्रिक एंड ड्यूओडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट नहीं होंगे तो अल्सर को हील होने के लिए टाइम मिलेगा, कंप्लीट होने के लिए, क्योर होने के लिए टाइम मिलेगा। इट इज यूज टू ट्रीट इंटेस्टाइनल हाइपर एक्टिविटी लाइक द यूसोफेगल स्पाज्म, देन वेरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम एंड एब्डोमिनल क्रैम। अगर इंटेस्टाइन की हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो उसमें क्या क्या हो सकता है? यूसोफेगल स्पाज्म क्रिएट हो सकता है, या इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम मतलब बॉवेल में इरिटेबिलिटी आएंगी, और एब्डोमिनल क्रैम ये किसमें होता है? जिसको गैस्ट्रिक कैंसर वगैरह है या पेप्टिक अल्सर है, तो उनके जो स्टमक है या इंटेस्टाइन है बहुत इरिटेट करते हैं, पेन होता है, कोलिक पेन हो सकता है। तो ये सभी सिंड्रोम को क्योर करने के लिए हम ये ड्रग ले सकते हैं। देन इट इज यूज टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक सिक्रेशन ऑल्सो, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रिड्यूस करता है। यूज टू प्रोड्यूस द रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया होता है शुगर लेवल को कम कर रहा है। देन इट इज रिड्यूस द बिलियरी स्पाज्म, बिलियरी बाइल डक्ट में जो बिलियरी स्पाज्म होता है उसको भी क्योर करेगा। नेक्स्ट कंट्रोल टू कंट्रोल एक्सेसिव स्वेटिंग एंड सलाइवेशन, जो एक्सेसिव सलाइवेशन होता है चिल्ड्रंस में होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, तो वो भी क्योर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टू प्रिवेंट नॉक्टर्नल इंजरीज इन
चिल्ड्रन नॉक्टर्नल इंग्रीज मतलब नाइट बेड वेटिंग बोला जाता है उसको, उससे क्या होगा ये ड्रग क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे यूरिनरी ब्लैडर को, जिसकी वजह से जो नाइट बेड वेटिंग हुए नहीं होगा। तो नॉक्टर्नल इंग्रीज में इसको यूज किया जाता है। देन यूज फॉर द रेडियोलॉजी, यस यूज फॉर द रेडियोलॉजी फॉर द बेटर विजुलाइजेशन ऑफ ड्यूओडेनम एंड कोलन बाय एंडोस्कोपी। ये जो मेडिसिन लेने की वजह से क्या होगा सिक्रीशन नहीं होंगे तो जो आपका ऑर्गन है वो एंटी रहेगा। फिर हम जब अगर रेडियोस्कोपी एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा पूरा ऑर्गन हमको अच्छे से विजुलाइज होगा, तो इसलिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ये पूरे यूजेस हम इसमें लेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पार्किंसनिज्म पढ़ा एंड मायस्थेनिया पढ़ा। देन हम पूरे छह ड्रग के लाइकोप्रोपामिन है, बिप्रिडिन है, बेंजोट्रोपिन है या एट्रोपिन है, मायोसिन, उसके यूजेस हमने ये पूरे पढ़े और इसके बाद फॉर्मुलेशन कैसे दिखना वो बताया। ओके थैंक यू।